Oh. अब वापस लौट कर क्या फायदा जब कुछ बचा ही नहीं। वो जो तुम आई विल नेवर लीव यू कहा करते थे, ये आज भी मेरा दिल याद करके रोता है। तुम मुझे पसंद तो हो लेकिन अब चाहिए नहीं। बात सही गलत की नहीं थी, बात सेल्फ रिस्पेक्ट की थी, इसलिए जाने दिया। साइकोलॉजी कहती है कि किसी को बहुत ज्यादा प्यार मत करो, क्योंकि जब वो इंसान आपको छोड़कर जाता है आप वो दर्द सह नहीं पाते। तुम्हें पता है रिश्ते फूलों की तरह होते हैं। फूलों में अगर पानी सही टाइम पे नहीं पिलाया जाए तो वो फूल सड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं। उसी तरह रिश्तों में अगर प्यार ना हो, रिस्पेक्ट ना हो, केयरिंग ना हो, तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। मैंने बस तुमसे इतना ही मांगा था कि रिश्ता सही से निभा लेना, लेकिन तुमने तो मंजिल पर पहुंचने से पहले ही हार मान ली। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है उस इंसान के बगैर रहना जिस इंसान के एक मैसेज आने से पूरी बॉडी में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। उस इंसान के बगैर एक पल नहीं रहा जा सकता, उस इंसान के बगैर अब पूरी जिंदगी रहना पड़ेगा। वो इंसान जिसके चेहरे को देखना, जिसकी आवाज को सुनना, जिसकी खुशबू को महसूस करना तुम्हारी जिंदगी जीने का तरीका बन गया हो, उस इंसान को भुलाना कितना मुश्किल होगा ये तक नहीं सोचा तुमने? क्या मांगा था मैंने तुमसे, मुझे तो तुमने बोझ ही समझ लिया और मेरा हाथ छोड़ दिया। इंसान जिसके आने से दिल को सुकून मिलता और पल भर के लिए जाने से आंखें भर आती, उस इंसान को भुलाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। वो इंसान जो जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाता हो, वो इंसान जो हमेशा ये याद दिलाता रहे कि कोई रहे या ना रहे तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, जिसके साथ रहने से किसी भी मुसीबत से लड़ भिड़ने की ताकत हो, उस इंसान को भुला पाना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। वो इंसान जिसके जाने से लगे कि दिल का आधा हिस्सा चले गया, हमारे शरीर में आत्मा ही नहीं बची, जिस इंसान को तुमने सोलमेट माना हो उसके बगैर जी पाना कितना मुश्किल होगा ये तुम ना कभी सोच पाओगे, ना कभी तुमने सोचा होगा। वो इंसान खैर छोड़ो, अब लौट कर क्या फायदा, जब निभानी थी तब छोड़ के चले, जब जरूरत थी तब साथ नहीं दिया, अब लौट कर क्या फायदा। तुम्हें पता है रिश्तों में दरार कब आने लगती है, जब बंदा अपनी बंदी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे लेकिन बंदी को समझ में नहीं आता। बंदी सोचती है कि सारी बॉन्डेशन दुनिया भर की लगाम उसी पे लगा कर रखी है, लेकिन ये गलत है। लड़कियों को अपनी आजादी होती है लेकिन लड़कों को बहुत ज्यादा पता होता है दूसरे लड़कों के कि एक लड़का किस हद तक सोच सकता है, कितना सोच सकता है, इसलिए वो जिस लड़की से प्यार करता है उसको रोक टोक लगा के रखता है। यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, सोशल मीडिया पे ये अपलोड नहीं करना, ये फोटो नहीं डालना, ये वीडियो नहीं डालनी,
ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रोक टोक। क्यों? क्योंकि वो लड़का उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि वो उसे खो दे या फिर उसके साथ कुछ गलत हो। लेकिन लड़कियों को ये बात समझ में नहीं आती। लड़कियां अपने आप को बहुत ज्यादा महान समझती, बहुत ज्यादा समझदार समझती। हाँ तुम हो, लेकिन लड़के भी बेवकूफ नहीं होते। वो आपसे प्यार करते हैं इसलिए आपका कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए वो इतनी रोक टोक लगाते हैं। लेकिन तुम्हें गलत लगता है, फिर तुम उनसे झगड़ते हो, फिर ब्रेकअप हो जाता है। सोचते हैं कि हम दोनों की थिंकिंग सेम नहीं है, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, बंदा चले गया तुम्हारी लाइफ से, अब क्या? अब कौन है रोक टोक लगाने वाला? कौन है सच्चा प्यार करने वाला? कोई नहीं। ये बात तुमको समझनी पड़ेगी। अगर कोई बंदा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, आपकी बहुत ज्यादा केयर करता है, तो जरूर आपको रोकेगा, टोकेगा, दूसरे लोगों से मिलने के लिए भी आपको मना करेगा। क्यों डरता है? क्योंकि आजकल की दुनिया बहुत खराब है। सो जितनी भी लड़कियां हैं ये वीडियो देख रही हैं, अपने बॉयफ्रेंड्स को समझें, नए बंदों को समझें और उसके बाद ही कोई फैसला लें, वरना रिश्ते बनाने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है और बिगाड़ने में पल भर नहीं लगता। बस इतना है।